नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा परासिया में राष्ट्रीय कतिया समाज ने निसहाय जनों को भोजन कराकर बांटे कंबल। अखिल कतिया समाज बहुउद्देशीय संस्था राष्ट्रीय कतिया समाज संगठन एवं परोपकार और परमार्थ करने वाले हमारे प्रेरणादायक सम्मानीय अशोक पठारे और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखनंदन जावरे के माध्यम से निराश्रित वृद्धजन, वृद्धजन बुजुर्गों, माताएं एवं जरूरतमंद परिवार को अंग्रेजी नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर स्वादिष्ट भोजन कराने के पश्चात विधानसभा परासिया में राम मंदिर प्रांगण में कंबल वितरण किया गया। इस नववर्ष में निराश्रित निसहाय जनों के साथ मंदिर प्रांगण वीर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात ध्वज फहराया गया और दादा हनुमान जी से समस्त समाज के सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखनंदन जावरे, श्रीमती मीना जावरे, प्रांतीय अध्यक्ष राकेश नागेश, श्रीमती उषा नागेश, राष्ट्रीय लेखाकार मनोज जोहरे, श्रीमती सुनैना जोहरे, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मदास आरसे, प्रांतीय प्रवक्ता दिनेश ढाकर आदि मौजूद रहे। परासी संवाददाता जगदीश पाल की रिपोर्ट। आज अखिल कतिया समाज बहुउद्देशीय संस्था राष्ट्रीय कतिया समाज संगठन एवं हमारे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय अशोक पठारे जी के माध्यम से इस अंग्रेजी नववर्ष में दीनहीन, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम वह व्यक्ति जो इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बचाव के लिए कंबल खरीद नहीं सकते, ऐसे वृद्धजन निसहाय परिवारों को, माताओं को राष्ट्रीय कतिया समाज संगठन निरंतर अनेकों रचनात्मक कार्य करते हुए और इस ठंड में कंबल उपहार स्वरूप प्रदान करने का कार्यक्रम निरंतर अभी विगत चार दिनों से चलाते आ रहा है। निर्णय लिया कि क्यों ना इस अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत परोपकार और परमार्थ करते हुए समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, निराश्रित अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करते हुए शुरुआत की जाए, जिससे उन गरीब वृद्धजन निसहाय लोगों को ठंड में बचने के लिए सहायता हो सके। राष्ट्रीय कतिया समाज निरंतर ऐसे प्रकल्प लेकर के समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा में निरंतर लगा रहता है और हम आज समस्त सामाजिक संगठनों से भी आग्रह करते हैं कि आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में, आपके गाँव में अगर कोई भी ऐसा दीनहीन, शोषित, वंचित, पीड़ित, निराश्रित, निसहाय व्यक्ति रहता है, वृद्धजन रहते हैं, तो आप उनकी सेवा किसी ना किसी स्वरूप में जरूर करें, क्योंकि परोपकार और परमार्थ करने से आपको पुण्य मिलता है एवं इसे ही नर सेवा और नारायण सेवा कहा गया है। आज मैं मानव सेवा करते हुए इस जीवन में पुण्य लाभ कमाएं, यही आपको हम राष्ट्रीय कतिया समाज संगठन की ओर से आग्रह करते हैं और सभी